आज हम बात कर रहे हैं स्किन टाइटनिंग और लिफ्टिंग पे। स्किन टाइटनिंग और लिफ्टिंग क्यों एक बड़ा ही कॉमन इशू होता है और इसके ऊपर क्यों बात होनी चाहिए, क्योंकि स्किन के स्ट्रक्चर को समझना और एज वाइज अपनी स्किन का लुक आफ्टर करना और कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ सीखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्किन का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं और उसको आपने ओवरकम कैसे करना है। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि नेचुरली ऐसी स्किन टाइप्स होती हैं कि वो यंग एज में भी बहुत जल्दी जल्दी कॉलेजन इलास्टिन लूज़ करती हैं। ठीक है, एज वाइज नहीं, मतलब एज ज़्यादा नहीं होती है लेकिन फिर भी वो बहुत जल्दी जल्दी लूज़ कर रही होती हैं कॉलेजन इलास्टिन। ऐसी स्किन्स कौन सी होती हैं? ऐसी स्किन्स वो वाली होती हैं जो कि हाइट पे रहने वाले लोगों की होती हैं और फॉर सम हाउ क्योंकि वो सन प्रोटेक्शन नहीं देते या नहीं यूज़ करते नॉर्मली या कर रहे होते हैं या उनको पता ही नहीं होता, तो उससे क्या होता है कि उनकी स्किन में वियर एंड टेयर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से यानी कि जो अब्यूज़ है सनलाइट का, सनलाइट की प्रोटेक्शन ना होने की वजह से जो कॉलेजन इलास्टिन है वो बहुत लूज लैक्स और फिर कम होती चली जाती है और फिर आप देखते हैं कि आपकी स्किन, आपकी एज ज़्यादा नहीं है लेकिन जो स्किन है वो आपको पहले की तरह टाइट और लिफ्टेड नहीं फील होगी, आपको सैगी और लूज़ फील होगी। और याद रखिएगा कि लूज़ और सैगी स्किन के ऊपर आपको फाइन लाइंस भी ज़्यादा नज़र आएंगी, आपको रिंकल्स भी ज़्यादा नज़र आएंगे और इसके अलावा क्या होगा, आपको ओपन पोर्स भी ज़्यादा नज़र आएंगे। ठीक है, अच्छा, उसी तरह से एज के साथ जैसे 24-25 की एज तक तो हर चीज़ बॉडी में एम्पल अमाउंट में बन रही होती है, अच्छी अमाउंट में बन रही होती है, लेकिन 24-25 ईयर्स के बाद जो है वो फिर चीज़ें बनना कम होती जाती हैं और जो आपके पास रिजर्व्स होते हैं उनको यूटिलाइज़ करना ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने 24-25 की एज तक अपनी स्किन में, अपनी बॉडी में रिजर्व्स जमा ही नहीं किए होंगे तो आप यूज़ क्या करेंगे? इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में आपने पैसे जमा ही नहीं किए हुए थे, आपने कुछ डिपॉजिट ही नहीं किया हुआ था, तो अब आप अर्न नहीं कर रहे, ठीक है, अब आप और अर्न नहीं कर रहे और आपने उसी में से यूज़ करना है तो आपने डिपॉजिट किया ही नहीं होगा तो आप यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, आप उसे कैसे यूज़ करेंगे, आपके पास कुछ होगा ही नहीं। फिर उसी तरह से हमारी बॉडी भी होती है, बॉडी के अंदर आपने टिल द एज ऑफ 24-25 आपने रिजर्व्स को जमा करना होता है ताकि आप जब चीज़ें बनना बंद हो जाएं आपकी बॉडी में, जब बॉडी में बंद हो रही है तो स्किन में भी बंद होना शुरू हो जाती हैं, तो वो फिर आप उसको यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ स्किन है उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको सीमेंट ऑफ स्किन कहते हैं। ठीक है, वो कॉलेजन और इलास्टिन है, उसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं लेकिन कॉलेजन इलास्टिन का आप नाम भी बहुत सुनते रहे हैं, आजकल आपको उसके बारे में पता भी है। ये जो कॉलेजन इलास्टिन है ये बेसिकली आपके स्किन के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, और टाइटली होल्ड करने में हेल्प करता है। जिस वक्त आपकी स्किन जो है वो इस तरह से टाइटली होल्ड होगी तो कैसे नीचे को सैग करेगी, कैसे नीचे को गिरेगी? ठीक है, अच्छा, जो टाइटनिंग होती है वो सिर्फ इसलिए नहीं की जाती है कि अच्छा आपको जो है वो स्किन को टाइट करना ही चाहिए या रिक्वायर्ड है या आपकी स्किन पे लिफ्ट ही आपको चाहिए। जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें कॉलेजन इलास्टिन को बनाना शुरू किया जाता है या उनसे बनते हैं वो सब यही कहलाते हैं कि वो टाइटनिंग और उसके साथ साथ लिफ्टिंग भी देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि मेन साइंस क्या क्या होते हैं आपको, जिससे पता चलेगा कि अब आपकी स्किन जो है वो एजिंग की तरफ जा रही है या उसमें टाइटनिंग और लिफ्टिंग या फिर कॉलेजन इलास्टिन कम हो रही है। इसमें जो मेन साइंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक तो ओपन पोर्स होते हैं। आप इसी तरह से समझें कि जिस वक्त ऐसे करके कोई चीज़ जो है वो टाइट पड़ी हुई है तो आपको ओपन पोर्स कम नज़र आएंगे, जिस वक्त वो लूज़ होगी तो आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। ठीक है, और एज जो होती है या एजड स्किन जो होती है, एज या नंबर्स की बात नहीं हो रही, जो एजड स्किन होती है वो सिर्फ खाली फेस से नहीं, वो नेक से भी पकड़ी जाती है और हाथों से भी पकड़ी जाती है। ठीक है, तो ये भी उसी का पार्ट होता है क्योंकि पूरी स्किन में ही जब कॉलेजन इलास्टिन कम बनेगा तो आपको ओवरऑल आपकी स्किन जो है उसके टेक्स्चर में डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ओपन पोर्स इसका एक बहुत बड़ा साइन होता है, उसके अलावा
एज स्पॉट्स या फिर सन स्पॉट्स भी कहते हैं, लेकिन एज रिलेटेड जो होते हैं और सन रिलेटेड जो होते हैं वो किसी भी एज में हो सकते हैं, इसलिए एज स्पॉट्स जो है वो इनको कहा जाता है। इसके अलावा अनइवन टोन भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो है वो सैगी स्किन यानी कि लटकी हुई या फिर लूज स्किन जो है वो आपको फील हो सकती है, और उसके साथ साथ रिंकल्स यानी कि एक तो फाइन लाइंस होते हैं, फाइन लाइंस जो हैं वो बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी सी लाइंस जो हैं वो आपको पूरी जगह पे कहीं पे भी नज़र आ सकती हैं, इवन नेक पे भी नज़र आती हैं, आपको डिकॉल्टे भी नज़र आ सकती हैं, ठीक है। और जो रिंकल्स होते हैं वो ख़ास जगहों के ऊपर आपको नज़र आते हैं। रिंकल जो होता है वो एट रेस्ट होता है यानी कि विदाउट एनी मूवमेंट भी आपको नज़र आ रहा होगा, और जो फाइन लाइंस होती हैं वो तो हर वक्त ही रह रही होती हैं और वो बस होती हैं, और कुछ फाइन लाइंस जो हैं वो आपको मूवमेंट पे पड़ती हैं, जैसे आप हंस रहे हैं ज़ोर से तो आपकी साइड्स के ऊपर आ जाएंगी, आप गुस्सा कर रहे हैं तो दरमियान में आ जाएंगी, इस तरह से करके। तो इन सब में फ़र्क होता है, लेकिन जो मैंने आपको 5 साइंस बताए हैं एजिंग स्किन के, वो सारे के सारे जो हैं वो सेम ही रहते हैं, किसी में कोई पहले आ जाएगा, किसी में कोई बाद में आ जाएगा, और ऐसा भी होगा कि किसी के अंदर 2-3 जो है वो एट अ टाइम साइंस जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे, और उस आपको अलर्ट होने की ज़रूरत होती है कि अब मुझे लगता है कि मेरी स्किन का टेक्सचर जो है वो पहले जैसा नहीं रहा। इसमें एक बहुत बड़ा साइन जो है वो ड्राई एंड इची स्किन भी होता है। ड्राई एंड इची स्किन क्यों होती है? क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द स्किन जो है वो पुअर होती जाती है, वो कम होती जाती है। जिस वक्त वो कम होती जाती है तो आपकी स्किन जो है वो आपको बहुत डिहाइड्रेटेड, विदर्ड और मुरझाई हुई, और जैसे क्रिंकल शिफॉन का कपड़ा होता है उस तरह से उसके ऊपर फाइन लाइंस जो है वो आपको नज़र आ सकती हैं, ठीक है। तो ये तो बड़े इम्पॉर्टेंट जो हैं वो 5 साइंस थे जो कि आप बड़ी आसानी से नोट कर सकते हैं अपनी स्किन पे। ये भी हो सकता है कि आपके एक्सट्रीम ओपन पोर्स के पहले थे ही नहीं, उसके बाद बनना शुरू हो गए और अब आपको बड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, या नंबर ज़्यादा होता जा रहा है, और ये भी लग सकता है आपको कि एरिया बड़ा होता जा रहा है, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन माई स्किन। अच्छा, स्किन के बारे में ये होता है कि हर चीज़ तो हमें नहीं समझ में आ सकती, मतलब डॉक्टर को तो चलो समझ आ जाती, वो भी आप देख लें, जो जिस चीज़ का डॉक्टर होता है उसको उसके बारे में ज़्यादा पता होता है या वो उसके लिए एक्सपर्ट होता है, तो आम बंदे को ये समझना या ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी स्किन किस टाइप की है और उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या चीज़ लगानी चाहिए और क्या नहीं लगानी चाहिए, यानी कि डूज़ एंड डोंट्स अकॉर्डिंग टू योर ओन स्किन टाइप आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा तो आप बहुत आसानी से अपनी स्किन को मैनेज कर सकेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जो सैगिंग स्किन के लिए या स्किन टाइटनिंग के लिए हम किस किस्म के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो ऑफ़र करते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत दफ़ा ऐसा हो सकता है या होता है कि आपकी एज नंबर वाइज तो ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन एक्सट्रेंसिकली बाहर से आपकी स्किन के ऊपर सनलाइट अब्यूज़ हो सकता है, या ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पहले पोस्ट एक्नी स्कार्स रहे हुए होते हैं और स्कारिंग की वजह से उनकी स्किन में कॉलेजन इलास्टिन कम हो चुका हुआ होता है और बन भी नहीं रहा होता, और उसके साथ साथ स्किन भी थिन हो चुकी हुई होती है, जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो एज रिलेटेड नहीं, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर कोई अब्यूज़ हुआ हुआ है उसकी वजह से वो जल्दी साइंस ऑफ एजिंग शो कर सकती है। तो जिस वक्त स्किन को जिस चीज़ की ज़रूरत हो अगर आप वो चीज़ देंगे तो वो उसके लिए मोस्ट सुटेबल रहेगी, और उससे आपकी स्किन बहुत जल्दी रिवाइव भी कर जाएगी और बहुत जल्दी अच्छी भी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपने जो इंट्रिंसिक एज है यानी कि जो एक्चुअल आपकी एज है वो उसको, और जो स्किन की एज है जिसको हम एक्सट्रिंसिक एज बोलते हैं जो कि सिर्फ खाली बाहर से आपको नज़र आती है, वो फ़र्क होती है, और इन दोनों को देख के और फिर डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है स्किन पे या किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, जो टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग के लिए चीज़ें जो हैं वो ऑफ़र की जाती हैं, उसमें सबसे पहले तो एक कंसल्टेशन होनी चाहिए या होती है। चलो मैं थोड़ा सा अपना कैमरा सेट करूँ जी। उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है या सबसे पहले जो करते हैं वो डेफिनेटली आपकी एक जो है वो प्रॉपर कंसल्टेशन होती है। जिस वक्त कंसल्टेशन होगी तो उसी में जो डॉक्टर होता है
वो आपकी स्किन को एग्जामिन भी करेगा, उसके ऊपर साइंस ऑफ एजिंग भी देखेगा और उसके साथ उसको आपकी स्किन टाइप समझ में आ रही होगी और उसे ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपकी स्किन में क्या चीज़ चल रही है और उसको करेक्ट कैसे करना है। इसलिए कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी में एग्जामिनेशन और एनालिसिस दोनों हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है कि आपको एप्लीकेशंस दिए जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस मतलब घर में यूज़ करने वाली मेडिसिन या कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है, उसमें आपका सन ब्लॉक भी होता है और उसके अलावा भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी भी ताकि आपको कुछ कुछ अंदाज़ा हो जाए कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो लिफ्टिंग और टाइटनिंग के लिए यूज़ कराई जाती हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है ट्रीटमेंट में वो तो यही होता है कि आपकी एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए जिसमें एग्जामिनेशन और एनालिसिस हो जाता है और उसके बाद उसके साथ साथ आपको जो है वो प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं जो कि आप घर में यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि सिर्फ खाली आपको प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, आपको डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं और इसके अलावा किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो भी सकती है। अब जो ट्रीटमेंट्स हैं जो कि ऑफ़र किए जाते हैं वो क्या क्या हैं, इसमें जो है वो डिफरेंट तरह के लेज़र्स आते हैं, जैसे जो फ्रैक्शनल लेज़र होता है वो डेफिनेट। अच्छा चले मैं माइल्ड वाले से स्टार्ट करती हूँ, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है उससे स्टार्ट करते हैं। उससे स्टार्ट करेंगे तो टाइटनिंग पील्स होती हैं, जो टाइटनिंग केमिकल पील्स होती हैं वो ब्लेंड ऑफ डिफरेंट जो है वो एसिड्स या डिफरेंट चीज़ों का ब्लेंड होता है और वो जो है उसके अंदर स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट एक सॉरी इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम DME बोलते हैं, ठीक है। इसको DMEA लिखा जाता है। ये जो है ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से टाइटनिंग ऑफ द स्किन करता है। जब आपकी स्किन टाइट होगी, अच्छा केमिकल पीलिंग में क्या होता है कि हम पहले स्किन को एक्सफोलिएट कर लेते हैं, क्लिंस करते हैं, एक्सफोलिएट कर लेते हैं। जिस वक्त आप स्किन को एक्सफोलिएट कर लेते हैं तो स्किन अच्छी तरह से रेडी हो जाती है किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। और फिर उसके ऊपर जो है वो केमिकल लगा के और उसका एक खास ड्यूरेशन होता है कि आपने 12 मिनट्स के लिए छोड़ना है या फिर आपने 15 मिनट्स के लिए छोड़ना है, उसको उतनी देर छोड़ के और उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है केमिकल को। और न्यूट्रलाइज करने के बाद मोस्ट लाइकली जो है वो कोई ना कोई क्या कहते हैं मास्क और उसके साथ सिरम इन्फ्यूजन जो है वो दी जाती है या समटाइम्स जो है वो रेड लाइट भी दी जाती है। रेड लाइट क्योंकि हीलिंग को प्रमोट करती है तो बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से जो है वो हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जो केमिकल जो टाइटनिंग पील्स होते हैं यूजुअली उनका कोई एज सच आपको बुरा इफेक्ट स्किन के ऊपर नहीं आता या कोई क्या कहते हैं प्रॉब्लम उसको कराने के बाद नहीं होती। थोड़ी सी जो एहतियात होती है कि जी आप चूल्हे के पास ना जाएं फ़ौरन से कराने के बाद, वैसे तो आप जा ही सकते हैं, चंद घंटों के लिए ना जाएं, अवॉइड करें और सनस्क्रीन लगा के रखें या मॉइस्चराइज़र लगा के रखें या कोई सूदिंग क्रीम दी जाती है वो लगा के रखें। और उसके अलावा जो है वो आपको थोड़ी सी ड्राइनेस फील हो सकती है तो पहले ही आपको सूदिंग क्रीम्स और मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स जो हैं वो दे दी जाती हैं। और डायरेक्टली यूजुअली कोई भी जो है वो नहीं कर रहा होता टाइटनिंग पील और डेफिनेटली जो है वो पहले कोई कंसल्टेशन हुई भी होती है और कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए होते हैं तो उससे ज़्यादा की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहती है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद हम आ जाते हैं मीज़ोथेरेपी पे। मीज़ोथेरेपी में क्या होता है कि हम इंजेक्शन में जो है वो दवाई को टाइटनिंग की जो मेडिसिन है उसको फिल कर लेते हैं और उसको फिल करने के बाद जो है वो डायरेक्टली इंजेक्ट करते जाते हैं स्किन में। हम किसी मसल में नहीं जा रहे, हम किसी लोअर या डीप स्ट्रक्चर में नहीं जा रहे, हम सिर्फ आपकी स्किन के सेकेंड लेयर में है, ठीक है, एट दी क्या कहना चाहिए एट दी डीपेस्ट लेयर ऑफ योर सेकेंड लेयर जहाँ पे कॉलेजन इलास्टिन हम चाहते हैं कि बने या प्रमोट हो और सिर्फ वहीं पे हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और बहुत ही प्यारा सा बहुत ही बेसिक सा ट्रीटमेंट है और जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। यूजुअली जो है वो जो भी आप काम कर रहे होते हैं या जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है फॉर टाइटनिंग एंड फर्मिंग एंड लिफ्टिंग यूजुअली उनके सेशंस होते हैं और मोस्ट लाइकली जो है वो 4 to 6 सेशंस जो हैं वो होते हैं, चाहे हम पीलिंग कर लेंगे और चाहे हम मीज़ोथेरेपी कर लेंगे। अच्छा मीज़ोथेरेपी की ब्यूटी ये है कि आप यहाँ तक सॉकेट के बाहर तक जो जगह होती है वहाँ तक जा सकते हैं, पूरे के पूरे फेस पे जा रहे हैं आप, नेक की लाइंस के लिए या नेक की स्किन को टाइट करने के लिए कर सकते हैं। और मज़े की बात हाथों पे भी मीज़ोथेरेपी की जाती है और करते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया मीज़ोथेरेपी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि लेज़र्स आ जाते हैं। लेज़र्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, इसमें जो लॉन्ग पल्स NDAG लेज़र्स होते हैं उनके थ्रू भी टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग फेशियल्स किए जाते हैं। जैसे किसी को बहुत माइल्ड सा जो है वो अभी कॉलेजन इलास्टिन जो है उनकी स्किन में कम होना शुरू हुआ है और थोड़े कुछ ओपन पोर्स हैं और उसके साथ साथ उनको लगता है कि स्किन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा लूज़ हो गया है,
तो उसमें ये होता है कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ऊपर से कुछ भी नहीं होता, लेज़र रेज जो है वो डायरेक्टली स्किन के अंदर चली जाती हैं, और अंदर जाने के बाद क्या करती हैं, अंदर जाने के बाद जो है ये माइक्रो इंजरीज, बहुत माइन्यूट और माइक्रो, नैनो कह लें या माइक्रो कह लें, इंजरीज देती हैं, और आपका ब्रेन जो है वो कहता है, आपकी स्किन को ऑर्डर देता है कि भाई यहाँ पे तुम कॉलेजन इलास्टिन या कंस्ट्रक्शन या रिजुविनेशन जो है वो स्टार्ट कर दो। उससे क्या होता है कि जब आप कराते हैं तो आपकी स्किन का टेक्सचर भी बहुत बेहतर होता है, जिसमें आपके ओपन पोर्स भी कवर होते हैं, और उसके बाद इसके अलावा आपकी लैक्स या लूज स्किन जो है वो भी आपको बेहतर लगना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कौन से लेज़र्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, माइक्रो नीडलिंग के लिए लेज़र्स यूज़ होते हैं, प्लस RF टाइटनिंग जो है वो की जाती है, ये सारे के सारे, और इसके अलावा फ्रैक्शनल लेज़र को यूज़ किया जाता है। ये सारे के सारे जो प्रोसीजर्स हैं, इनका जो तरीका होता है या जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो यही है कि माइक्रो इंजरीज दे के आपकी अपनी स्किन की जो कैपेबिलिटी है उसको यूज़ किया जाता है, उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, और आपकी स्किन दोबारा से कॉलेजन इलास्टिक बनाना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो है वो हाइफू का नाम आपने सुना होगा। हाइफू जो है उसके अंदर वो लेज़र नहीं होती है, बट हाइफू जो है वो बेसिकली इंटेंस क्या कहते हैं, इंटेंस जो है, इंटेंस और फोकस्ड अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, इंटेंस भी होती हैं और फोकस्ड भी होती हैं। ठीक है, और अपने टारगेट में जाके जो है वो वहाँ पे क्या करती हैं, वो वहाँ पे स्ट्रक्चर में कॉलेजन इलास्टिन जो है उसको बूस्ट करती हैं, और फिर कॉलेजन इलास्टिन जब बनना शुरू होता है तो आप देखेंगे कि स्किन आपको टाइट भी फील होगी, फर्मर भी फील होगी और लिफ्टेड भी फील होगी। जो हाइफू है वो भी आप फुल फेस पे कर सकते हैं, आप नेक पे कर सकते हैं, क्या कहते हैं, जो आप लेज़र्स यूज़ करते हैं तो वो लेज़र्स भी डिफरेंट तरह के लेज़र्स होते हैं, कुछ लेज़र्स को हम हाथों पे भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ को नहीं भी यूज़ किया जाता, ठीक है, क्योंकि वो कुछ पेनफुल हो जाते हैं या उनका जो डाउन टाइम होता है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो है, हाँ, हाइफू में ये होता है कि हाइफू में आपने कोई सेशंस नहीं लेने होते कि आपने कॉन्टिन्यूस कोई सेशंस लेने हैं। हाइफू में यूजुअली जो है वो एक ही सेशन किया जाता है और वो 1 ईयर तक चल जाता है, प्रोवाइडेड कि आप अच्छे तरीके से जो भी आपको हमने मेंटेनेंस के लिए चीज़ें दी हैं उनको भी यूज़ करें, क्योंकि मेंटेनेंस तो घर में ही होती है ना, वो हमने तो नहीं करनी होती, वो आप लोगों ने घर पे करनी होती है। और हाइफू जो है अगर हमें उसे रिपीट भी करना हो तो 6 मंथ से पहले नहीं किया जाता। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो है वो ऐसे फिलर्स भी होते हैं जो कि हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड होते हैं और वो प्रमोट करते हैं कॉलेजन इलास्टिन को बनाना जो है उसको प्रमोट करते हैं, यानी कि वो खुद से फिलिंग इफेक्ट नहीं देते, जैसे लाइन में फिल करना है वो उस तरह से फिलिंग नहीं करते, और उसको आप हाथों पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आप पूरे फेस पे, पूरी नेक पे भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बेहतर होती है और कॉलेजन इलास्टिन जो है वो भी बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके साथ इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा थ्रेड्स होते हैं। अच्छा, थ्रेड्स का नाम से ऐसे लगता है और कुछ उसके बारे में कुछ गलत क्या कहते हैं एप्रीहेंशंस भी हैं, और ये कि अच्छा अंदर जो है वो धागे डाल देंगे, उसमें कोई टांका भी लगेगा और फिर उसके बाद क्या होगा, वो नज़र आएगा, उसे खोलते भी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप यही समझ लें कि जो नीडल है, नीडल को इंजेक्ट करते हैं और नीडल को निकाल लेते हैं, दैट्स इट, इतना छोटा सा प्रोसीजर होता है। और उसमें ये होता है कि ये थ्रेड्स जो हैं ये खुद से ख़त्म हो जाते हैं, बट ख़त्म होने के साथ साथ जो है ये जहाँ जहाँ आप डालते हैं वहाँ वहाँ कॉलेजन इलास्टिन बनाना शुरू कर देते हैं। जब कॉलेजन इलास्टिन बनती है तो आपको टाइट भी लगेगी स्किन, पहले से फर्मर भी लगेगी और पहले से लिफ्टेड भी लगेगी। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रोसीजर्स जो कि मैंने आपको बताना था कि ये इस किस्म के प्रोसीजर्स जो हैं वो हम टाइटनिंग, लिफ्टिंग एंड फॉर्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ और फिर जो है वो मैं आपको होम रेमेडीज़ भी बताऊँगी कि आप घर में इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, या पहले होम रेमेडीज़ कर लेते हैं। जो होम रेमेडीज़ हैं उसमें जो बहुत अच्छा तरीका जो आप घर में कर सकते हैं, दैट इज़ फेशियल मसाज। मैंने आपको पहले भी मसाजर दिखाया हुआ है। फेशियल मसाज जो होती है वो आपके मसल्स को टोन अप करके रखती है। जब मसल्स टोन अप रहते हैं तो उसके ऊपर स्किन जो है वो बेहतर हालत में रहती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर और अच्छा करती है मसाज जो होती है। तो इसलिए मसाज करना जो है वो बहुत अच्छा है, हाथों से मसाज करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप मसाजर जो होता है, जो कि बैटरी ऑपरेटेड होता है जिसमें सेल जलते हैं, उसको यूज़ करें। उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ वो इसलिए अच्छा रहता है कि उसका प्रेशर जो है वो बहुत ही साउंड होता है और एक ही तरह का होता है। ऐसा नहीं होगा कि प्रेशर ज़्यादा दे दिया है तो कोई ख़राबी हो जाए या प्रेशर कम था तो आपको रिजल्ट ना मिले। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, कॉफ़ी
घर में होती है कॉफ़ी, कॉफ़ी का पाउडर और उसके साथ उसमें कोकोनट ऑयल डालना, ठीक है। कॉफ़ी और कोकोनट ऑयल का एक थिक सा मिक्सचर बना के उसको जो है वो अपनी स्किन के ऊपर लगा के छोड़ दें। जब आप उसे 10 मिनट्स 12 मिनट्स छोड़ेंगे तो उसके बाद आपने उसको जिस तरह स्क्रब करते हैं उस तरह से स्क्रब करना है और फिर इसको उतार देना है। ये आपकी स्किन से डेड स्किन जो है, डेड सेल्स जो हैं उसको भी हटाएगा ये मिक्सचर, और उसके साथ ये टाइटनिंग एंड फर्मिंग में भी हेल्प करता है। लेकिन डेफिनेटली प्रोसीजर्स का जो रिजल्ट होता है वो डिफरेंट होता है, उसका स्पेक्ट्रम और होता है, मेडिसिन का और होगा और घर में यूज़ करने वाली चीज़ का और होता है, ठीक है। इसके अलावा एग वाइट आपने सुना होगा, इट्स बेटर कि आप एग वाइट को खाली यूज़ करने की बजाय एग वाइट के अंदर थोड़ा सा हनी डाल लें। अच्छा, जब एग वाइट आप लगाते हैं तो वो आपकी स्किन को जिस तरह आप कोई मास्क लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ये आपकी स्किन को टाइट कर देता है उस वक्त के लिए। अच्छा, जब आप इसको उतार देंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन, ऑब्वियसली आप घर में लगा रहे हैं, घर में लगाने वाली चीज़ों की एब्जॉर्प्शन ऐसे नहीं हो सकती है जैसे डीपर लेयर्स में, तो उससे क्या होता है कि उससे आपको थोड़ा सा टाइम फॉर द टाइम बीइंग आपको थोड़ा सा जो है वो लिफ्टिंग और थोड़ा सा टाइटनिंग इफेक्ट जो है वो मिल जाता है, लेकिन इससे स्किन थोड़ी ड्राई भी होती है, बाद में आप मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, क्यूकम्बर का जूस और उसके अलावा जो रोजमेरी ऑयल है ये भी अच्छा रहता है। क्यूकम्बर का जूस और रोजमेरी ऑयल जो होता है इसको लगा के अगर आप मसाज करेंगे तो वो भी आपको टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है जी। ये थी कुछ होम रेमिडीज़। अब हम आ जाते हैं कि हम कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं कि वो टाइटनिंग या लिफ्टिंग के प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं जो कि हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये लिफ्टिंग सीरम दिखा रही हूँ। ये लिफ्टिंग सीरम जो है ये लिफ्ट करने के लिए होता है। अगर तो आप अफोर्ड करते हैं या आप चाहते हैं तो आप इसको पूरे फेस और नेक पे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ पे लिफ्ट चाहते हैं, ये देखें ये अपर एरिया आपकी आएगा और यहाँ तक, और उसके अलावा जो आपकी जॉ लाइन है उसके ऊपर आप इसको लगा सकते हैं, जाके जिन एरियाज पे आपको लिफ्टिंग चाहिए आप उसके ऊपर इसको लगाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाली क्रीम। ये देखें इसके ऊपर लिखा भी हुआ है लिफ्टिंग एंड एंटी एजिंग। एंटी एजिंग सेपरेट होती है, लिफ्टिंग सेपरेट चीज़ होती है, और कुछ चीज़ों में ये दोनों के इंग्रेडिएंट्स डले हुए होते हैं। ये बहुत अच्छी क्रीम है, इसको भी आप चाहें तो पूरे फेस और नेक पे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको उन एरियाज़ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जो है वो आपको लिफ्टिंग चाहिए, जैसे आई के ऊपर वाला एरिया हो गया और उसके अलावा आपकी जॉ लाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो है ये प्योरली जो है वो लिफ्टिंग एंड एंटी एजिंग दोनों चीज़ें, एंटी ऑक्सीडेंट भी है इसके अंदर जो कि बहुत अच्छा रहता है, और लिफ्टिंग एंड फॉर्मिंग के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। ये भी पूरे फेस पे भी यूज़ हो सकती है, जो एरियाज मैंने आपको बताए हैं वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मैं आपको ये वाली क्रीम दिखा रही हूँ। इसमें हाइड्रेशन या मॉइस्चराइजेशन भी होती है यह है, और उसके अलावा बहुत अच्छी लिफ्टिंग भी है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी क्रीम है, पूरे फेस पे लगाना चाहें, पूरी नेक पे लगाना चाहें तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी इसको जो है वो आप सिर्फ खाली जहाँ पे लिफ्ट चाहिए वहाँ पे यूज़ करें तो वहाँ पे भी यूज़ हो सकती है। अच्छा, उसी तरह से जो है वो मैं आपको एक ये वाली क्रीम दिखा रही हूँ। ये रीजुविनेशन भी करती है, और इसमें ग्लेयर आ रहा है, प्लास्टिक है वो मैं हटाना चाह रही हूँ यहाँ से, ठीक है। ये जो है ये लिफ्टिंग भी करती है और उसके अलावा रीजुविनेशन में भी हेल्प करती है, और बहुत ही अमेजिंग क्रीम है, ठीक है। इसकी दो चीज़ें हैं, एक जो है वो नाइट के लिए यूज़ होती है और एक डे के लिए, एक नाइट में यूज़ करने के लिए और एक डे में यूज़ करने के लिए, तो मैं आपको दोनों दिखा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है ये वाली क्रीम। ये वही वाली क्रीम है जो मैंने आपको खुली भी दिखाई हुई, ओपन जो मैंने लगाई हुई है, लव ऑफ माई लाइफ। दिस क्रीम इज़ एक्चुअली लव ऑफ माई लाइफ, और जो इसको लगाता है तो बस उसका मज़ा आ जाता है, और फिर वो कहता है कि मैंने तो ये लगानी है। इसको भी आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ खाली जहाँ पे आपकी लाइंस हैं, फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, मैं क्योंकि आई एम इन लव विद इट तो मैं तो पूरे फेस पे ही लगाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये सीरम दिखा रही हूँ। बहुत लाइट वेट सीरम है और इसके अंदर टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग और एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट है, तो यूजुअली जो है ये सुबह के वक्त लगाने में बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज कोई ऑयलीनेस नहीं होती है और आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट रिपेयर और इसके अंदर सेरामाइड्स है,
सेरामाइड्स जो हैं वो चीज़ होती है जो कि हमारे सेल्स को ग्लू की तरह होल्ड करके रखता है, ठीक है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बेहतर करता है। तो ये भी बहुत अच्छा है, आइज़ के अराउंड भी लगा सकते हैं, पूरे फेस और नेक पे भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये प्योर कॉलेजन है, ये आप आइज़ के अराउंड भी यूज़ कर सकते हैं, फुल फेस पे भी, नेक पे भी, क्योंकि कॉलेजन है और प्योर कॉलेजन है और अच्छी अमाउंट में, अच्छी परसेंटेज है इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ एक्टिव रेटिनॉल सीरम, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा रहता है और ये आपकी स्किन को रिजुविनेट करने में हेल्प करता है। जिस वक्त आपकी स्किन रिजुविनेशन में जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर बेटर अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं कॉलेजन इलास्टिन भी बनेगा और फर्मनेस भी पहले से बेहतर होगी, ठीक है, और स्ट्रक्चर और जो उसका क्या कहते हैं टेक्सचर है वो भी बहुत बेहतर होगा। अच्छा जी, अब मैं आपको जो दिखाने लगी हूँ उसके अंदर डिफरेंट तरह के जो हैं वो क्या कहना चाहिए इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अंदर सेरामाइड्स भी हैं, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है और इसके अंदर जो है वो हेक्सापेप्टाइड्स भी हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है फॉर लिफ्टिंग एंड फर्मिंग एंड टाइटनिंग ऑफ द स्किन, ठीक है, ये भी कोई भी लगा सकता है और सुबह भी लग सकती है और रात में भी लग सकती है। अब मैं आपको एक ड्रिंक दिखाने लगी हूँ, ये ड्रिंक जो है देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है कॉलेजन, इसके अंदर कॉलेजन है और ये आप पी सकते हैं, यू कैन ड्रिंक दिस और ये टोटली हलाल है, और जब आप इसको पियेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी की बॉडी की स्किन जो है वो उसका टेक्सचर बहुत बेहतर हो जाएगा। और ऑब्वियसली आप इसको पी सकते हैं लाइक 2-3 मंथ्स इकट्ठा कॉन्टिन्यूस पी लें और उसके बाद आप इसको मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं विद गैप्स, ठीक है। और अब मैं आपको एक मज़ेदार सा जो है वो लिफ्टिंग एंड एंटी एजिंग जो है वो मास्क दिखा रही हूँ। इस मास्क के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं टाइटनिंग या लिफ्टिंग के लिए, तो या फॉर्मिंग के लिए, फॉर्मनेस के लिए तो ये यूज़ ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके क्या कहते हैं एज स्पॉट्स हैं ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। तो ये बहुत अमेजिंग है, आप पहले अगर अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर लें और फिर इसको यूज़ करें तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी दिखा दिए, अहमद मुझे वो दे दें क्वेश्चंस के लिए, ये मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी दिखा दिए हैं, मैंने होम रेमेडीज भी बताई हैं और उसके अलावा मैंने आपको साइंस जो हैं वो बताए हैं जिससे आप नोट कर सकते हैं कि आपकी स्किन जो है उसके टेक्सचर में या उसकी जो क्वालिटी है उसमें क्या डिफरेंस आता जा रहा है और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है जी।